महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन के चलते रेलगाड़ियों के पहिए थम गए हैं। सिर्फ विशेष व्यवस्था के बीच मालगाड़ियों का आवागमन ही हो रहा है। ऐसे में वाराणसी रीजन के DRM विजय कुमार पांचियाल ने वाराणसी रीजन में आने वाले सभी स्टेशनों का निरीक्षण किया और गाजीपुर सिटी स्टेशन पर भी अपने रेल कर्मियों का हाल जाना। इस दौरान उनके साथ आई मेडिकल टीम ने उपस्थित सभी कर्मियों का थर्मल स्कैनिंग करवाई और जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने अपने रेल कर्मियों के इस कठिन परिस्थितियों में हौसला अफजाई करते हुए उनमें मास्क, सैनिटाइजर और फल वगैरह का वितरण भी किया। DRM ने बताया कि हम अपने स्टेशनों पर अपने कर्मियों का हालचाल लेने गए हैं। ये कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और 14 अप्रैल के 2-3 दिन पहले रेलवे बोर्ड तय करेंगे कि रेल संचालन का क्या रुख रहेगा। राहत सामग्री आज सच कुछ नहीं है, ये हमारे स्टाफ हैं जो इन कठिन परिस्थितियों में भी काम कर रहे हैं, तो उनका हालचाल पूछने आए हैं और जैसे जाते हैं तो मिलते हैं तो कुछ फल वल फ्रूट्स लेके जाते हैं तो वही चीज़ है। और राहत इनको राहत की ज़रूरत नहीं है, राहत के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं कि जनरल पब्लिक को राहत मिले। सर ऐसे में आपने जानकारियाँ ली है, किस तरह की जानकारियाँ मिली है, क्या हालात लग रहे हैं? अभी ये कहना मुश्किल है, आधिकारिक तौर पर तो हमें कोई जानकारी नहीं है। 14 तारीख तक का लॉकडाउन का हम बहुत स्ट्रिक्टली उसका पालन कर रहे हैं और जैसा हमको अंदेशा है कि 14 के 2-3 दिन पहले रेलवे बोर्ड कुछ तय करेगी कि कैसे आगे क्या हमारा रुख रहेगा ट्रेन को सर्विसेज रिस्टोर करने के लिए। इस माहौल में सर रेलवे क्या एहतियात बरत रहा है? हमने सबसे पहले तो हमारे जितने रेल कर्मी हैं जो कि इन कठिन परिस्थितियों में भी काम कर रहे हैं, उन सभी को हम लोगों ने काउंसिल करके बताया है कि क्या क्या एहतियात बरतनी है। उन सभी को सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स और अन्य वस्तु दिए हैं ताकि वो लोग सुरक्षित तरीके से काम कर सके। सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग काम करते समय सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर कर रहे हैं और बीच बीच में हम लोग जाते हैं, हमारी मेडिकल टीम भी जैसे आपने देखा होगा आज भी है और भी बीच बीच में जा करके सबका चेकअप होते रहता है। कोई अगर हमारे यहाँ कोई रेलकर्मी अगर बीमार पाया जाता है तो उसको हम लोग तुरंत ड्यूटी से हटा करके उसको रेस्ट में और आइसोलेशन में रख देते हैं। आधिकारिक तौर पर इसकी कोई जानकारी हमको नहीं है। ट्रेन चलाने लॉकडाउन के बाद बिल्कुल चलेगी, लॉकडाउन 14 को के बाद सारी ट्रेनें एक साथ चलेंगी कि